हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। नेशनल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के द्वारा अभी अभी न्यू अपडेट आया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप लोगों के लिए क्या न्यू अपडेट है उसको हम लोग देखते हैं इसके वेबसाइट पे, ठीक है दोस्तों, जो कि 2/2/2019 के अपडेट है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर, ठीक है दोस्तों। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आप लोग, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो दिया गया है नियोजन सूचना संख्या 8/2018 के द्वारा, जो कि सहायक परिचालक बटन पट चालक और कन्या सारणी पुरुष तकनीकी ग्रेड 4, ठीक है दोस्तों। तो ये सूचना उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं इसमें, ठीक है। दिया गया है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के नियोजन सूचना 8/2018 के अंतर्गत उपयुक्त पद पर नियुक्ति हेतु योग्य अभ्यर्थी के आवंटित पद पर योगदान समर्पित करने हेतु दिनांक 23/1/2019 से 25/1/2019 को बुलाया गया और सभी चयनित अभ्यर्थियों को अग्रतर सेवा हेतु पद एवं कंपनी आवंटन से संबंधित सूचना उनके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर में दी गई है, ठीक है। यानी किसको किस कंपनी में दिया गया है उन सभी विद्यार्थियों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि योगदान संपूर्ण गठित समिति के अभियुक्त के आधार पर योग अभ्यर्थी को सूची निरूपण संलग्न की जाती है, साथ ही संदर्भित अभ्यर्थी को आवंटित कंपनी में रिपोर्ट हेतु DAV पब्लिक स्कूल BSPCL कॉलोनी न्यू पोर्चायक पटना इतना निरूपण बुलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वे सभी विद्यार्थी जो सभी कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हो चुका है और जैसे कि सभी को पद भी दे दिया गया है, तो जैसे पद 1 में आप लोग यहां देख सकते हैं सहायक परिचालक एवं तकनीकी ग्रेड 4, ठीक है दोस्तों। इसको जो कंपनी मिला है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, जिसको हम लोग BSPTCL बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये 3 पार्ट जो है, तो इसमें पार्ट 1 में वैसे विद्यार्थी हैं जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है और वे सिलेक्ट हो चुके हैं, सभी डॉक्यूमेंट ओके है, ठीक है। तो उसको उस कैटेगरी में नीचे में दिया गया है, उसको भी दिखाएंगे, ठीक है। और 2 में वैसे विद्यार्थी जिसमें कुछ डाउट है, अर्थात कुछ इसमें डाउट है इस विद्यार्थी में, कोई सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट में, तो उसको 2 नंबर में रखा गया है। और 3 नंबर में दिया गया है कि योगदान की तिथि को अनुपस्थित अभ्यर्थी, अर्थात जो 23 से लेकर के 25 तक में अनुपस्थित हो गए थे, ठीक है, तो उसका लिस्ट भी नंबर 3 में दिया गया है। और उन सभी विद्यार्थी को, अर्थात ये तीनों पार्ट का जो विद्यार्थी है जो सिलेक्ट हो चुके हैं जिसमें डाउट है और जो अनुपस्थित थे, उन सभी को 5/2/2019 को 10 बजे पूर्वाहन में रिपोर्ट आप लोग को वहाँ पर जाके पहुँचना है, ठीक है। जो कि आप लोग को मालूम है, यहाँ बता चुके हैं DAV पब्लिक स्कूल, ठीक है, BSPCL कॉलोनी, यहाँ पर जाना है, ठीक है, 5/2/2019 को, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा पोस्ट में था कि कन्या सारणी पुरुष एवं बटन पट चालक, इसको मिला है सीट जो है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट में दिया गया है, उसी तरह से जो जिसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको 1 में, और 2 में लंबित विद्यार्थी जिसमें कुछ दिक्कत था और योगदान की तिथि में जो अनुपस्थित हुए थे विद्यार्थी, उन सभी का, ठीक है। तो इन सभी दोस्तों को, इन सभी कैंडिडेट को 6/2/2019 को 10 बजे पूर्वाहन DAV में बुलाया गया है, ठीक है। और तीसरा है कि केनिया सारणी पुरुष एवं बटन, ठीक है, पट चालक, इसको नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में मिला है, ठीक है, तो इसको 7 तारीख को बुलाया गया, ठीक है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट सब क्या है इसमें। अगर आप लोग 2 को यहाँ पर पढ़ेंगे, जिन विद्यार्थी के अभ्यर्थियाँ किसी कारण से लंबित रखी गई है एवं लंबित सूची में उनका नाम शामिल है, साथ ही जो अभ्यर्थी योगदान देने की तिथि 23/1/2019 से 25/1/2019 को अनुपस्थित रहे हैं, को एक अवसर प्रदान करते हुए उन्हें आवंटित कंपनी के अनुसार तिथिवार दिनांक 5/2/2019 से 7/2/2019 तक संकलन सूची के अनुसार तिथिवार बुलाया जाता है। दोस्तों, ये तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो अनुपस्थित थे, उसको फिर से मौका दिया गया है BSPCL के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग अब की बार ये मौका मत खोइए, जो भी अनुपस्थित थे,
वो उपस्थित हो जाइए, उसके लिए बहुत अच्छा बात है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी विद्यार्थी को और सभी को मालूम होगा, जो विद्यार्थी निर्धारित तिथि को वांछित प्रमाण पत्र कागजात के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थता समाप्त मानी जाएगी। अर्थात अगर आप लोग 5 से लेकर के 7 तक के अंदर में जिसका जिस डेट में ऊपर में डेट जो बताए हैं 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख अगर नहीं पहुँचते हैं तो आज के बाद आप लोग को कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा और उसका अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, और कागजात में आप लोग को मालूम ही है दोस्तों कि पहले के ही जैसा एक वैध फ़ोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस, पैन कार्ड, जितने भी आईडी है इसे पहले भी आप लोग देखे होंगे, आईटीआई सर्टिफिकेट, एनसीबीटी, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, ये सभी आप लोग लेकर के जाएंगे, क्रीमिलियर प्रमाण पत्र जाएंगे जो ओबीसी से हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को वहाँ पर पहुँचना है और 100 रुपया का बाउंड भी बनाना है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इसमें। तो अब चलिए थोड़ा सा हम वो दिखा देते हैं आप लोग को, जो कि सभी लिस्ट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं किसका किस में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पटना अर्थात BSPTCL के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें इन सभी विद्यार्थी को पोस्ट प्रथम जो मिला है ये सभी विद्यार्थी ओके है। ठीक है दोस्तों, तो उतना दिखा नहीं पाएंगे, बहुत काफ़ी सीट है जितना भी है। ठीक है, ये सभी विद्यार्थी ओके है। ठीक, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये सभी क्या है, ओके विद्यार्थी है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसका जिसमें कुछ थोड़ा सा दिक्कत है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यहाँ ये सभी विद्यार्थी ओके है। ठीक है, देख रहे हैं नीचे में, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो कि हम बताए थे अनुसंगलन 2 है, ये 1 में ऊपर में है। ठीक है, उसका अनुसंगलन 2 जो है इसमें वैसे विद्यार्थी हैं जो पेंडिंग में है। ठीक है, पेंडिंग है, पेंडिंग पेंडिंग यहाँ दिखा रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, पेंडिंग है सभी विद्यार्थी ये सब। ठीक है, यानी कहा जाए तो टोटल विद्यार्थी इसमें पेंडिंग है, ये सभी पेंडिंग का लिस्ट है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 से लेकर के 22 तक जो है ये अब्सेंट है विद्यार्थी। ठीक है, ये अब्सेंट विद्यार्थी है। ठीक है, तो जो भी अब्सेंट है वो अपना मौका को मत छोड़िए, मेरा कहना यही है, आप लोग जाइए। ठीक है दोस्तों, ये नीचे चलते हैं, काफ़ी सारा है दोस्तों, तो इसको आप लोग वेबसाइट पर से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी का लिस्ट दिया गया है इसमें, जैसे कि इसमें भी अनुसंगलन खो में भी अब्सेंट है ये विद्यार्थी। ठीक, तो इसको भी मतलब अपना जा करके अच्छा से डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लीजिए। जिसका साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में हुआ है तो उसका भी दिया है योगदान तिथि 6/2/2019 को। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक आप लोग को ये अच्छा लगा होगा सूचना, ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए अच्छा खुशखबरी है, अनुसंगलन ख घ में भी दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं अनुसंगलन घ के 1 में स्विच बोर्ड ऑपरेटर 2 के लिए यानी सेकंड के लिए दिया गया था, ये सभी विद्यार्थी ओके है। ठीक है दोस्तों, तो जो विद्यार्थी एब्सेंट हैं वो अपना डॉक्यूमेंट लेकर के सभी ज़रूर जाएं। ठीक है, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं मतलब काफ़ी सारा है, जितना भी विद्यार्थी सिलेक्ट हुआ था एब्सेंट है वो सभी विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट कर दिया गया है, और किस में क्या दिक्कत है उसका भी दिक्कत को भी बता दिया गया, जैसे कि ये पेंडिंग है, प्रेजेंट है पर इसका पेंडिंग है, कुछ इसमें दिक्कत है जैसे पेंडिंग फ़ोटो मिसमैच कर रहा है जिसका, ये किसी का सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये सभी विद्यार्थी पे डाउट है तो वो भी पहुँचे वहाँ पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर ये सूचना आप लोग के लिए अच्छे हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी अपडेट आएंगे तो उसको हम जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।